विशालकाय ओहिराज देखिले भय लगे। पाखो माड़ीबा को कहार साहस नहीं। केतेबेले दंशी देव जीवन चली जीवो। हेले से ही ओहिराज मागिला साहाज्य। जालरे छंदी पड़ी बाहरी परिला नहीं। तार यही अवस्था देखि गाँ लोकों मनरे दया हला, किंतु ताको मुकुलाइबे केमिति। जालरे छंदी होई छटपट हेउथाय ओहिराज, किंतु किछि दिन तले एही ओहिराज रो आतंकरे आतंकित होई रहुथिले बालेश्वर जिला उपजा थाना तड़किया पंचायत रो चंपुर ग्रामर लोकमाने। संध्या हेले घर दंडरु बाहर को जिबाकु साहस करि पारुनथिले। अनेक ओहिराज रो गर्जन सुनि पारुथिले, किंतु दिने देखिला बेलकु गाँव अनंत दासों बाड़ी पोखरी जाल में छंदी होई फसी जाई ओहिराज। देखा विशालकाय प्राय 10 फुट लंबर होब यह ओहिराज। हेले जाल में छंदी होई छटपट हो सत जमी मुकुलाइबा को से साहाज्य मागुछि। हेले ताको साहाज्य करिबा को कहार बल पाउ नथिला, एणु उपदा वन विभाग और स्नेक हेल्पलाइन सहायता मगागला। औपदा वन विभाग रेंजर मनोरंजन नायकों नेतृत्व में फॉरेस्ट गार्ड जयलक्ष्मी पुहान और तांक टीम घटनास्थल में पहुंची। से प्रथम परिश्रम करने को पड़ता केमिति ओहिराज को जाल फाशु मुकुलाइबे। गोटे कईची साहय प्रथम जाल कटा जाता, जाल कटा जा ओहिराज को बाहर को अणा जा, किंतु ओहिराज मुह चारिपटे जाल गुड़ाई हो रही काटा पड़ता, जहाँ अत्यंत काठिकर था। कारण एत बड़ ओहिराज को नियंत्रण में रखी मुह चारिपटे जाल को अति सतर्कतार सह काटा पड़ो, नचे ओहिराज को क्षति पहुँच। वन विभाग दल अति सतर्कतार सह यह जाल काटी, यहाँ साप को पानी पियाई। एही उधार काम देखा पूरा गाँ लोक जमा हो जाते, समस्ते उत्कंठार सह अपेक्षा करते साप को केमिति उद्धार कर देखापी। साप को जालरो मुक्ति करिबा परे वन विभाग को निज सांगरे नहीं जंगल छाड़ी। यह सहित गाँ लोक आश्वस्तिर निश्वास मारी। बालेश्वर प्रसंचिता आस, न्यूज़ 18 ओडिया।